यहाँ की गाथा जो है पुरानी, हाँ हाँ, हर सोरा हर की पुरी, ओके, और बाबो भीषण सहाय, वो जो किलो, हाँ हाँ, उनको बगल में है। अच्छा, बाबो भीषण सहाय, नेकी करे तो आगे बढ़े, नहीं तो जड़ा मूल से जाए। गांववन स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं बांसूर तहसील के हरसोरा ग्राम पंचायत में, जहां पहाड़ी के ऊपर बना हुआ जो किला है, ये 1600 के लगभग बना हुआ ये किला है जो काफ़ी प्राचीन है। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि ये 1632 के लगभग इस किले का निर्माण किया गया। आज भी इस किले का जो स्वरूप है उसे हम वास्तविक रूप से आप लोगों को यहाँ रूबरू कराएंगे। साथ में हमारी टीम आज पूरा सुबह भोर के साथ यहाँ आकर और इस किले का फिल्मांकन किया है, और साथ में आप लोगों को हम दर्शाएंगे कि ये किला कितना प्राचीन है, इसका इतिहास में क्या महत्व है, किस प्रकार इसको बनाया गया, और आज भी ये किला पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ बताया गया है कि ये जो गांव है ये 1632 के लगभग बसा हुआ है और उसी समय इस किले का निर्माण किया गया था। तो हम आपको लिए चलते हैं इस किले के अंदर और साथ में किले का पूरा वर्तमान जो दृश्य है वो दिखाने के साथ साथ हम स्थानीय लोगों से इसकी प्राचीन इतिहास की जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। गांववन स्टूडियो का प्रयास है कि हमारे आसपास इर्द गिर्द ऐसे प्राकृतिक स्थल जिनका हमारे इतिहास में काफ़ी महत्व है और वो हमारी आँखों के आसपास है लेकिन उनकी जानकारी हमसे ओझल है। नई जो जनरेशन है वो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने गांववन स्टूडियो के इस बैनर तले आप लोगों को इस प्रकार की धरोहर, इस प्रकार की सांस्कृतिक जो विरासतें हैं, जो इतिहास के पन्नों में आज भी जिंदा हैं, उन्हें हम आप लोगों को गांववन स्टूडियो का इस रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम किले के अंदर आप लोगों को लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि ये किला वर्तमान में किस स्थिति में स्थित है। किले के बारे में यह है कि एक राजा था नारसिंह, और उसी की दौरानी थी, तो एक तो पहाड़ पर है और एक यहाँ बसा दी नहीं यहाँ पर। तो ये किला लगभग बता बुजुर्ग ही बताते थे 1632 के लगभग में बना हुआ है। हम तो देखा नहीं, नहीं कोई हमारे दादा देखा, परदादा देखा, बुजुर्ग ही आदमी बता रहे थे। और जब से हमें यही देख रहे थे, अब ये तो बिल्कुल खंडर हो गया, और बाद में चलती रही गांव, बसावट होती गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी भी हो गई। ना पहले तो कितने थे, 500 भी नहीं थे इसमें घर। बलवीर सैनी जी ने बताया कि ये किला किस प्रकार बनाया गया और 1632 में इस किले का निर्माण किया गया था, और उसी समय अरसोरा गांव को यहाँ बसाया गया। पास में छिपारी नगर के नाम से भी एक गांव है जो आजकल छिपारी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय उसे छिपारी नगर के नाम से जाना जाता था। बगल में ही ये मंदिर भी उसी समय का बना हुआ है, आप देख रहे हैं, तो इसे भोमिया बाबा का मंदिर कहते हैं। काफ़ी लोगों की यहाँ आस्था भी है, सुबह लोग पक्षियों के लिए यहाँ दाना भी डाल के जाते हैं जो हमने देखा है, और पक्षी काफ़ी
मात्रा में यहाँ आकर और चुग्गा चुग के जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इस किले के अंदर और इस मंदिर के पास से होते हुए हम अपनी टीम के साथ इस किले के मुख्य मार्ग से अंदर की तरफ जाएंगे। पीछे जो हमने देखा था वो हमारा इस किले का जो पीछे का हिस्सा है, जहाँ से हमने अभी आपको ये जो बाइट है, जो जानकारी बलवीर जी के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई है। चलिए हम इस किले का जो सामरिक महत्व है, इस किले की जो वर्तमान जो स्थिति है, उससे आप लोगों को रूबरू कराते हैं और चलते हैं। किला गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी का जो संरचना है वो काफ़ी सपाट और इस तरह का पत्थर देखने को मिला हमें कि बिल्कुल गांव के मध्य में ये जो पहाड़ी थी उसके ऊपर किले को गया था और इसी मुख्य रास्ते की ओर क्षीण अवस्था में है, टूटा भी है, काफ़ी सारी झाड़ी मुख्य रास्ते के पास भी हैं। अभी इस और संरक्षण की आवश्यकता और हमारा यही प्रयास रहता है गांववाणी स्टूडियो का, हर रविवार ऐसी कुछ जानकारियां जो हमारे इर्द गिर्द हैं उन्हें हम अपनी टीम के साथ जाकर फिल्मांकन कर। चलिए इस किले की ओर आगे बढ़ते हैं हम अपने टीम के साथ में और इसकी वर्तमान स्थिति देखो, काफ़ी टूटी हुई और जीर्ण अवस्था में है। काफ़ी के बिल्कुल मध्य में यहाँ पर स्थित है और हमने देखा कि किला काफ़ी प्राचीन बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो दीवारें हैं वो क्षीण अवस्था में हो चुकी है, काफ़ी टूट चुका है ये किला। हम पीछे देख रहे हैं कि डबल मंजिल के लगभग ये किला बना हुआ है, पास में ही उसके जाने का जीना था लेकिन अभी वो टूटा हुआ है, हम आगे नहीं जा पाएंगे। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस किले में जो निर्माण के समय जो सामग्री यूज में ली गई थी वही उस समय जो कारीगर थे जो चूना पत्थर पीस कर और उसे इस प्रकार भवन निर्माण के लिए इसको यूज में लेते थे, कि आज भी ये किला अपने वास्तविक स्वरूप में जिस तरह से होना चाहिए वैसा ना प्रतीत होकर लेकिन फिर भी एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। कुछ दीवारें इसकी बिल्कुल टूट चुकी हैं, अगर इसके संरक्षण और मरम्मत की अगर इसको वर्तमान में आवश्यकता है अगर वो पूरी होती है तो ये किला पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ सकता है। हमारा प्रयास रहता है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसी जो प्राचीन हमारी विरासतें हैं हमारे इतिहास के पन्नों में उनका जो इतिहास है वो अंकित है, उसे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज आपने देखा कि ये हरसोरा का जो किला है ये काफ़ी पुराना है, 1632 के लगभग इसे बनाया गया और उसके बाद तटस्थ ये इस पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल बना हुआ अपने वर्तमान स्वरूप को आपको प्रतीत होता दिख रहा है। तो आप लोग भी इस प्रकार की धरोहर जो आपके आसपास हैं उनको सजो कर रखें, उनके संरक्षण में अपना प्रयास करें। यहाँ के युवाओं से हम आह्वान करेंगे कि वो यहाँ पर एक ड्राइव लगाकर या एक कैंपेन स्टार्ट करके इसके संरक्षण में जुड़ें और आगे आएँ, ये विरासत उनके किले का जो इतिहास है वो आने वाली पीढ़ियाँ भी देख पाएँ। वो तभी हो पाएगा जब इसके किले के संरक्षण को किया जाएगा और साथ में लोग इसके संरक्षण में आगे आएंगे। तो चलिए हम किले का अब पीछे का जो रास्ता है उससे आपको बाहर की ओर लेके चलते हैं और आसपास की इस गांव की जो हरसोरा में और भी कई जो जगह हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि राजा के दो रानियाँ थी, एक रानी इस महल में रहा करती थी तो दूसरी जो रानी है
वो इस किले के दूसरी तरफ एक पहाड़ी के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो दूसरी रानी का एक किला बना हुआ था, और दोनों दो अलग अलग पहाड़ियों के बीच में आपको नज़र आएगा। देखिए अभी हम पूछते हैं, बलवीर जी हमें बताएंगे कि किस तरफ दूसरी जो रानी है उसका महल था, क्योंकि इस किले से दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरा किला उस तरफ हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। आप वो देख रहे हैं दूसरी पहाड़ी के ऊपर, वो राजा की जो दूसरी रानी थी उसका महल इन स्थानीय लोगों ने हमें बताया, और किस प्रकार ये किला बना, किला बनने के बाद इसके जो सामरिक महत्व है वो आपको हमने दिखाया है। इस गांव में एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, लोगों की काफ़ी आस्था है, यहाँ काफ़ी बड़े स्तर से मेला भी लगता है, और साथ में गौशाला भी है जहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पर गायें भी हैं। तो आपने देखा कि ये 1632 में जो बना हुआ ये हरसोरा का किला है, किस प्रकार आज इस पहाड़ी के ऊपर जीर्ण छीर्ण और एक टूटी हुई स्थिति के ऊपर स्थित है, और आपको हमने बताया कि ये किला कितना प्राचीन है, अंदर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। हमारा प्रयास रहता है गाँववाण स्टूडियो का कि हर रविवार इस प्रकार की रोचक जानकारियाँ जो गाँव में स्थित हैं और गाँव का सामरिक इतिहास वो प्रतीत करती हैं और प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए हम आपसे विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले रविवार इसी प्रकार एक नई रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक अहम और एक रोचक तथ्य लिए हुए एक जानकारी के साथ में। धन्यवाद।